उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दांव पेच के साथ उतर चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच हाथरस के चुनावी मैदान में जनता किन मुद्दों पर अपने प्रत्याशी का चयन करेगी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि ने। इस समय हम मौजूद हैं हाथरस के एक गांव मांगरू में और ये है स्कूल। वैसे तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और यहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं कुछ मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए। गांव में क्या स्थिति है, गांव में कितना विकास हुआ है, गांव की क्या समस्याएं हैं, इन सब पर बात करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गांव के प्रधान से। प्रधान जी, ये बताएं कि गांव की इस समय स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ है और चुनाव के मुद्दे क्या हैं इस बार? ज्यादा समस्या गांव में है गाय की है। गाय जो आवारा जो पशु हैं उनसे काफी लोग परेशान हैं। आधी आधी रात तक अपने खेतों को रखाते हैं फिर भी वो नुकसान करती हैं, तो उससे बहुत गांव वालों को विशेष सबसे ज्यादा परेशानी ये है गांव में इस पर। अच्छा, आपके ऊपर कोई दबाव रहता है कि भाई आपने काम कम कराया है, कितना कराया है, आपके सामने क्या दिक्कत आती है, आप प्रधान है? नहीं, हमारे सामने कोई दिक्कत नहीं आती। अब थर्ड पार्टी पेमेंट कर दिया है, जो निधि ऊपर से गवर्नमेंट देती है उसी के आधार से गांव में खरंजे और नाली वगैरह सब जैसा विकास होता है वो कराई जा रहे हैं। अभी खरंजे कराए हैं, दो खरंजे करवा दिए, दो तीन, एक सार्वजनिक चबूतरा बनवाया है और भी जो जैसी निधि आती जाएगी उसी हिसाब से पैसा, गाँव का कोई दबाव नहीं है। अच्छा, ये बताए गाँव में बिजली आती है, अब बिजली की कितनी आपूर्ति है? बिजली सही आ रही है हमारे यहाँ तो, बीबी कोई कमी ना है। तो गांव वालों की समस्याएं तो हैं, लेकिन कुछ हद तक संतुष्टि भी है बिजली को लेकर, चाहते हैं कि और थोड़ी सप्लाई बढ़े, लेकिन आवारा पशु ग्रामीण इलाकों की जो समस्या है उसको लेकर जरूर इनके जहन में कौतूहल है कि क्या इस समस्या का समाधान अगली सरकार में हो पाएगा। कैमरामैन सौरभ के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, मांगरू, हाथरस।